ग्रैंडपा मैक्स यानी कि मैक्स टेनिसन बेंटन यूनिवर्स के एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि हमें पता है कि एजमथ ने जब अर्थ पे ओमनीट्रिक्स को भेजा था उस टाइम पे वो ओमनीट्रिक्स जो है ग्रैंडपा मैक्स को ही देना चाहते थे, क्योंकि मैक्स टेनिसन जो एक प्लम्बर थे जो कि यूनिवर्स में काफी सारे विलन्स को रोकते थे ताकि वो यूनिवर्स में कब्जा ना कर पाए। तो यहाँ पे एजमथ उनको ओमनीट्रिक्स देके उनकी पावर लेवल को बढ़ाना चाहता था और वो ओमनीट्रिक्स का एक अच्छे से यूज कराना चाहता था, लेकिन गलती से वो ओमनीट्रिक्स बैन को मिल गई। बैन ने भी ग्रैंडपा मैक्स की तरह पूरी दुनिया को बचा के रखा। लेकिन क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस की थी कि जब भी हमें बेंटन का फ्यूचर देखने को मिलता था उस टाइम पे ग्रैंडपा मैक्स का जो हाथ होता था हमेशा कटा हुआ दिखाई देता था, और कटे हुए हाथ पे हमें एक रोबोटिक हाथ देखने को मिलता था जिसको ग्रैंडपा मैक्स जो है काफी सारे वेपन्स में भी क्रिएट कर पाते थे। तो आखिर कैसे ग्रैंडपा मैक्स का हाथ कटा, उसकी बजाय उन्होंने एक नया हाथ अपनी बाजू पे लगाया जो कि एक रोबोटिक हाथ था जिसे वो अपने वेपन्स में भी क्रिएट कर सकते थे। तो अगर आप लोग भी इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। पहले वीडियो को लाइक हम डिसाइड कर लेते हैं जो कि 100 लाइक्स एंड 50 कमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस स्मॉल से टारगेट को इजीली कंप्लीट कर दोगे, और अगर आप लोग ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काफी सारे लिंक डाले हुए हैं, आप लोग उस पर क्लिक करके और भी काफी सारे वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात करें ग्रैंडपा मैक्स का हाथ कैसे कटा, तो इसके पीछे की एक सिंपल सी स्टोरी है जो कि बेंटन के क्रिएटर्स ने पहले से हमें बताई हुई है। हालांकि टीवी पे हमें वो कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन इस चीज को बेंटन के क्रिएटर्स ने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रैंडपा मैक्स इन फ्यूचर जो है बिल गेट्स के साथ बैटल कर रही थी, जिस बैटल के दौरान बिल गेट्स काफी ज्यादा पावरफुल था और उस बैटल में बेंटन जो प्रेजेंट नहीं था, और यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स के साथ वडोना भी थी जो कि एक एनाडाइट है। लेकिन उसके बाद जब बिल गेट्स के साथ इन दोनों की बैटल हुई, उस बैटल के दौरान ग्रैंडपा मैक्स का जो हाथ है वो बिल गेट्स ने कट कर दिया था, और ग्रैंडमा वडोना जो कि एक एनाडाइट है वो विल गेट्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। हालांकि हम जानते हैं कि एनाडाइट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वहां पे ग्रैंडमा वडोना भी मैक्स के हाथ को कटने से नहीं रोक पाई, क्योंकि विल गेट्स का पावर लेवल उस टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ चुका था और विल गेट्स जो है इजिली उन दोनों को हैंडल कर सकता था। और इस बैटल के दौरान सबसे बड़ी घटना तो वो हुई जब हमें देखने को मिली ग्रैंडमा वडोना की डेथ, यानी कि एक एनाडाइट की भी डेथ हमें बेंटन के शो में देखने को मिलने वाली थी। हालांकि अभी तक टीवी पे ये चीज हमें नहीं देखने को मिली, लेकिन बेंटन के क्रिएटर्स ने ये चीज एक्सप्लेन की हुई है कि ग्रैंडमा वडोना की जो डेथ है वो इन फ्यूचर होने वाली थी, जहाँ पे विल गेट्स की बैटल होती ग्रैंडपा मैक्स और वडोना के साथ, जहाँ पे मैक्स जो है अपने हाथ को खो देता और विल गेट्स जो है ग्रैंडमा वडोना को भी मार देता। तो ये थी मैक्स टेनिसन की हाथ कटने की पूरी स्टोरी। अगर आप लोग को अभी भी बिलीव नहीं है तो आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ग्रैंडमा वडोना की डेथ कैसे हुई फ्यूचर में और मैक्स का हाथ कैसे कटा। क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो हमें कभी भी फ्यूचर में ग्रैंडमा वडोना नहीं देखने को मिली, क्योंकि फ्यूचर में जब मैक्स का हाथ कटा था विल गेट्स के साथ बैटल करते हुए उस टाइम पे ग्रैंडमा वडोना की भी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से कभी भी फ्यूचर के टाइम पे हमें ग्रैंडमा वडोना नहीं देखने को मिली। तो उम्मीद करता है कि अब आप लोग को इसके पीछे की स्टोरी पता लग गई होगी कि आखिर कैसे मैक्स का जो हाथ है वो कट गया था। और इसके अलावा मैंने आप लोग को वडोना के बारे में भी बता दिया कि उनका फ्यूचर बेंटन यूनिवर्स में क्या होने वाला था। तो क्या आप लोग को इसके बारे में पता था या नहीं, कॉमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपके माइंड में ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करके बता देना। इसके अलावा अगर आप लोग अपने किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।